हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हिना जावर। वेलकम टू टेक्सटबुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट सच बताने वाली हूँ, जो कि इस समय हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का मोस्ट वांटेड टॉपिक है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेम हो रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 में क्यों? बिकॉज ये कम्प्लीटली एनईपी 2020 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो आई होप आपको मालूम होगा कि 4 ईयर का जो टीचर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ रहा है, इसका पूरा ड्राफ्ट किसने रेडी करा है? इसका पूरा ड्राफ्ट रेडी करा है आपके एनसीटी ने। तो पहली बड़ी चीज तो ये आप लोगों को बहुत पता होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज है कि इसको लाने का रीजन क्या है, इसके पीछे की पॉलिसी कौन सी है। एनईपी 2020 इज द पॉलिसी बिहाइंड इट, क्लियर? एंड मेन थिंग क्या है कि आपको टीचर को शेप अप करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और ये कोट एग्जाम में आ चुकी है। यानी द रीजन फॉर ब्रिंगिंग इट टू शेप द फ्यूचर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प करना है, नेक्स्ट जनरेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट देना है। इस रीजन से इस पॉलिसी के अंदर 4 ईयर्स टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाने की बात करी गई, और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि 2030 तक हर एक जो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी है टीचर एजुकेशन की, उसको आप मेरू यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करें, और 2030 तक ये एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको करना है, स्कूल में पढ़ाना है, तो मैंडेटरी जो डिग्री हो जाएगी टीचिंग की फील्ड में 2030 तक, वो हो जाएगी 4 ईयर की इंटीग्रेटेड बीएड। तो ये आपकी मैंडेटरी डिग्री हो जाएगी। अब इसकी मेन फीचर क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इंटर्नशिप बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगा, और कंटेंट पेडागॉजी, मॉरल वैल्यू, एनवायरमेंटल एजुकेशन पर आपका खास फोकस होगा। एंड अच्छी बात यह है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लाने का रीजन यह है कि आपको मालूम है आपका जो नया स्ट्रक्चर आया है वो आया है 5+3+3+4, और इस नए स्ट्रक्चर के तहत आपका हर लेवल के लिए अलग टेट एग्जाम होगा, और हर लेवल के लिए आपको अलग बीएड करनी है। यानी आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि आपने प्रेपरेटरी स्टेज को पढ़ाना है, मिडिल स्टेज को पढ़ाना है, फाउंडेशन। देखो, आपने सबसे पहला स्टेज कौन सा है? फाउंडेशनल स्टेज, क्या आपने इनको पढ़ाना है, या फिर आपने प्रेपरेटरी स्टेज को पढ़ाना है जो क्लास 3 से 5 के लिए, या फिर मिडिल जो 6, 7, 8 के लिए, या फिर आप सेकेंडरी के टीचर बनना चाहते हैं 9, 10, 11, 12। तो ये डिसीजन अब आपको पहले से ही लेना होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा अपना ऑप्शन, जिसके लिए आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिल रहा है। और आप जो अपने बैंक में क्रेडिट सेव करेंगे एकेडमिक ब्रांच में, वो आप 7 साल तक क्रेडिट यूज कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप 2 सेमेस्टर्स यानी 1 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप अपने क्रेडिट्स को यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। एंड यहीं से क्वेश्चन उठा था इस बार एग्जाम में कि कितनी तरह की डिग्री सरकार ने स्टार्ट करी है, तो 12 तरह का 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया। कि किस लेवल के लिए आप करना चाहते हो, बीए बीएड करना चाहते हो, बीएससी बीएड करना चाहते हो, या बीकॉम बीएड करना चाहते हो? बीए बीएड चारों लेवल्स के लिए है, बीएससी बीएड चारों लेवल्स के लिए, बीकॉम बीएड चारों लेवल्स के लिए। चार लेवल कौन सा है? 5, 3, 3, 4। तो ये आपके ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, ये साइंस स्ट्रीम के लिए, ये कॉमर्स के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो अब आपको टाइमली लेना पड़ेगा, और इसी रीजन से सरकार ने चारों लेवल्स पे निकाला है, जिसमें चारों लेवल्स पे आपका टेट का एग्जामिनेशन होगा। बस करना क्या है, आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे किसमें एडमिशन लेना है। एंड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो अब है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज 96 वर्किंग डेज एक सेमेस्टर में, जिसमें आपके एग्जामिनेशन को इंक्लूड नहीं किया। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है? और एक वीक में 40 आवर्स टीचिंग के लिए लगाने हैं आपकी यूनिवर्सिटीज को, क्लियर? इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ा डॉक्यूमेंट दिखाने जा रही हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए, गजेटेड नोटिफिकेशन है जो आपका एनसीटी की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसके अंदर क्लियरली ये बता दिया गया, फीस बताई है, स्टाफ बताया, सब कुछ बताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात बताई क्या है यहाँ पर सरकार ने, वो ये है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, कि कौन कौन से कोर्सेज को अप्रूवल मिला है अपार्ट फ्रॉम 4 ईयर्स बीएड। कौन कौन सी चीजों को मिला है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कौन कौन सा नॉमेनक्लेचर है जो एनसीटी अप्रूव्ड है, वो है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर, डीएलएड, बीएलएड, बीएड की डिग्री, एमएड की डिग्री, डीपीईडी जो फिजिकल एजुकेशन के लिए है, इसके अलावा आपका
बैच ओपन एंड डिस्टेंस के जरिए भी अब आप बीएड कर सकते हैं और डिप्लोमा कर सकते हैं, देन फाइन आर्ट्स, देन 3 साल का बीएड और फिर 4 साल का बीएड। लेकिन आप में से मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने यहाँ से गलत आंसर उठाया था, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए कि सरकार ने कौन कौन सी डिग्रीज को अप्रूवल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, कंफर्म। तो ये वो डिग्रीज है जिनको एनसीटी अपनी मान्यता दे चुका है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एंड मेक श्योर आप ये जरूर कवर करके जाएं एग्जाम हॉल में जाने से पहले। थैंक यू एवरीवन, और अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टाइम इज रनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, 7 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर मेगा मॉक चैलेंज। थैंक यू।